थैंक यू एवरीवन। सुबह सुबह उठ के आप आए हैं, इट शोज कि आप कुछ बड़ा करने के मूड में हैं। अगले एक साल में दोस्तों, मैं ये वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक साल अगर हम लोग डेली एजुकेशन सिस्टम में लगे रहे, डेली अपने आप को एजुकेट करते रहेंगे ना, तो एक साल आते आते तस्वीर बदल सकती है। और जो आज तक लोगों ने बहुत लंबे लंबे टाइम में किया, वो आप एक साल में कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीजों पे काम करना है, और वो आप सभी लोग जो यहाँ सुबह आते हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं। संख्या बढ़ाते जाना है। कोशिश कीजिए कि आपकी टीम में जो लोग भी ज्वाइन हो यहाँ पे आए सुबह में, क्योंकि अभी मैं भीलवाड़ा गया था, मैंने वहां भी अपने सारे टीम मेंबर्स को, लीडर्स को यही बताया, जैसे खाना रोज खाना पड़ता है ना, तो हमें रोज की जरूरत है एजुकेशन की भी, डेली की नीड है। और डेली आप नहीं करेंगे ना, तो महीने में एक दिन, दो दिन या 3 महीने में एक दिन करने से काम नहीं चलेगा। फिजिकल मीटिंग्स का अपना महत्व है, उसका कोई विकल्प नहीं है, आज भी वो करना ही चाहिए। मंथली अपने लोकल लेवल पे इवेंट्स रखिए, सामूहिक तौर पे डेमो दिखाइए लोगों को, वो बहुत जरूरी है। अगर टीम आपकी छोटी है तो होम मीटिंग्स कर सकते हैं आप, सबसे ज्यादा डुप्लीकेबल होम मीटिंग्स होता है, वो कीजिए। अभी प्रयास है हम लोगों का कि हर 3-4 महीने में एक आरटीपी करें। मई में हम लोग मनाली जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो पूरी टीम से अगर 100-150 लोग मनाली चलते हैं तो एक बहुत ही शानदार इवेंट बनेगा, मजा आएगा, एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। हाँ जी, जय भाटी जी कुछ बोल रहे हैं। सर इवेंट का हमने किया, गए संडे को, 7 से 10 क्लोजिंग का फाइनल हुआ है, 2-4 दिन वीक में बोल रहे हैं सभी, तो हम बड़ोड़ा के बाद आए, उसके बाद इवेंट का महत्व ज्यादा लगा है, तो हमने सोच लिया, ठान लिया है कि हर महीने के 20 तारीख को इवेंट करेंगी। बिल्कुल, और इंतजार नहीं करना है सर कि ब्रह्मट सब आएंगे तभी होगा, आपको करना है, ना सर, करेंगे। ठीक है? किसी यस लीडर यस का इंतजार नहीं करना सर, हम में से हर आदमी लीडर है, यस और डेमो ही तो दिखाना है, यस ठीक है? तो डेमो अपने लेवल पे स्टार्ट कीजिए। ओके थैंक यू। तो ये दोस्तों इवेंट जो है ना, उसके बाद आरटीपी हम लोग अगर 3 महीने में कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या है, देखो 3 महीने दबा के पैसा कमाओ, फिर अगर 25-50 हज़ार रुपए फैमिली के साथ कहीं घूमने में खर्च करते हैं तो फैमिली को भी अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि आरटीपी में सारे लोग वाइफ हस्बैंड आए, हो सके तो बच्चों को भी लाए। हम लोगों ने प्रेमपाल जी, जिम कॉर्बेट में हम लोगों ने ना ना किया था, लोगों को बोला था नहीं नहीं वाइफ को नहीं लेके आना, वाइफ को नहीं लेके आना है, लेकिन फिर भी वहां पे जो माहौल बना था बॉस, जो लेडीज एंड जेंट्स जो फैमिली के साथ आए थे, सुभाष भाई को भी बहुत बहुत अच्छा लगा था, कितना अच्छा महिलाओं ने जो डांस प्रोग्राम किया और जो एंजॉय किया, वो वीडियो आज भी मेरे पास है, बहुत शानदार वीडियो है। मैं तो इस चीज को कहता भी हूँ कि अपनी फैमिली को यानी अपनी पत्नी को आप साथ में लेके आओगे तो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, साथ में नहीं लाओगे तो प्रॉब्लम बन जाएगी। सही बात है। तो मनोज जी के बारे में बता दें आप लोगों को, मनोज जी आपने एमवे लगता है 10-12 साल किया है ना? 12 साल 12 साल एमवे किया है, जमशेदपुर में रहते हैं, बहुत ही मैच्योर, हाँ मैच्योर लीडर है। इनकी मैच्योरिटी के बारे में आप लोग देख ही रहे होंगे, रोज सुबह आते हैं, साइलेंटली सुनते हैं, साइलेंटली सीखते हैं, जब तक मौका न दिया जाए नहीं बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी, ठीक है? मनोज सर, जब आपने मशीन लिया तो कितने दिनों तक अपने घर में इंस्टॉल नहीं किया था? एक साल तक घर में इंस्टॉल नहीं कर पाइए, ठीक है? और बताया भी नहीं था वाइफ को कि कैंगन भी कर रहा हूं? जैसे बताया नहीं बताया था। नहीं बताया। अच्छा, क्यों क्यों डर लग रहा था आपको बताने में? वो एमबे में इतना इन्वॉल्व थी और मतलब उसको लग रहा था कि फिर इस फालतू फालतू सब काम करना शुरू कर, बहुत फेथ था और वहाँ का जो एसोसिएशन माहौल था, लीडर लोग इतना अटैच किए हुए थे साथ में। तो कैसे अटैच करते हैं वहाँ पर क्या होता है, ब्रेनिंग गेम होता है ट्रेनिंग? वो, हाँ वो
एक कपल में आते हैं और कपल में लेते हैं, और लेडीज के मन में इतना ये डाल देते हैं कि लेडीज को लगता है कि इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। रियल की और दुनिया में देखते नहीं है, घर का सारा काम तो जेंट्स मैनेज करता है, क्या आ रहा है वहां से क्या नहीं आ रहा है सब कुछ देखते हुए भी उसको कुछ नहीं, नहीं सब गलत है यही खाली सही। एसोसिएशन में ऐसा बांध लेते हैं लोग, मतलब ऐसा दिमाग में डाल दिया जाता है कि एमवे के अलावा सब बेकार है। सब सब बेकार है और आपका सपना ही पूरा हो, लेकिन हकीकत कुछ और हो जाता है। तो तो फाइनली हाँ, अब तो बता दिए ना। अब तो वो एमबीए की मीटिंग जाना छोड़ दीजिए, सच्चाई मालूम हुआ सब कुछ, धीरे धीरे देखते तो वो भी समझ ही बात को, और अब बोल दी कि नहीं एमबीए के लीडर लोग सिर्फ खाली बिजनेस 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 ये सब करते हैं। अब फाइनली वो मीटिंग जाना भी छोड़ दी सब कुछ, अब देखिए, और जैसे ही वाइफ को इन्होंने कन्विंस कर लिया, मान गई वाइफ, तो अब जमशेदपुर में इसी 30 तारीख को बहुत बढ़िया एक ऑफिस ओपन कर रहे हैं किंगन वाटर का। ठीक है, तो अग्रिम बधाई आपको। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक थैंक यू। यू सर। तो दोस्तों, ये स्टोरीज ना बहुत कुछ सिखाती है, और ये रियल स्टोरीज है। मैं जानबूझ के इस फोरम पे उसको शेयर करता हूँ, यहाँ पे शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी स्टोरी जानता हूँ अपनी टीम में। तो सर इसमें ना एक मेरा भी मतलब सुझाव है, मैं मोस्टली इसको फॉलो करता हूँ कि हमारे, देखो हमारा बड़ा टिकट साइज है, तो हमारे साथ फीमेल इन्वॉल्व नहीं होती हैं बहुत जल्दी से, लेकिन हम ये कल्चर पैदा कर सकते हैं कि हम अपने फैमिली के साथ यदि इस बिजनेस के सेमिनार को अटेंड करें तो हमारा कल्चर बहुत अच्छा हो सकता है। प्लस दूसरी चीज क्या है, जिस भी बिजनेस में हमारी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है तो सिंसियरली हमें वहां पर हमारी जो ग्रोथ है वो डबल हो जाती है, क्योंकि घर में भी तब आप कई बार डिमोटिवेट होते हैं तो आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होती है, और यदि उसके सारे अप एंड डाउन पता रहेंगे कि किस तरीके से आपका बिजनेस रन हो रहा है, तो उसमें आपकी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। और हम यहाँ पर अपनी फैमिली को इसलिए काट देते हैं क्योंकि हमने वो माहौल देखा ही नहीं, तो हम अपना माहौल एक अच्छा क्रिएट कर सकते हैं यदि हम अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लें इसमें, अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर लें, तो हमारे इस व्यापार में और ज्यादा चार चांद लग सकते हैं, थैंक यू थैंक इमोशनली यू। ये बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा ये बिजनेस। दुनिया में कुछ किताबें हैं जिनको जिंदगी की ग्रंथ माना जा सकता है, क्योंकि तो वो ऑल टाइम बेस्ट सेलर्स हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जितनी भाषाओं में उन्होंने प्रिंट किया, हर बार बेस्ट सेलर हुआ, हर कंट्री में बेस्ट सेलर हुआ, और सालों से बेस्ट सेलिंग की कैरेक्टर में है। जैसे लोक व्यवहार का नाम आप लोगों ने सुना है, ठीक है, जीत आपकी बहुत अच्छी किताब है। इस तरह की कुछ किताबें होती हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितना 50 साल पहले रेलेवेंट थी या 20 साल पहले रेलेवेंट थी। तो एक किताब जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूँ, उसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सुना है मेरी जुबान से आप लोगों ने कई बार? अगर सुना है तो खाली मुंडे हिलाइएगा बस, हाथ वाथ नहीं खड़ा करना है, ठीक है? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इस बुक्स के नाम को ही अगर समझा जाए तो कहने का मतलब ये है कि जो हाईली इफेक्टिव पीपल है, हाईली इफेक्टिव पीपल कौन होते हैं? जिनके एक आह्वान पे देशवासी मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, ये लोग हाईली इफेक्टिव पीपल कहे जाते हैं दुनिया में। प्रोफेशन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस में अलग अलग इफेक्टिव पीपल लोग हैं। तो उन्होंने एक बहुत गहरे रिसर्च के बाद और बहुत सारी स्टडी करने के बाद पूरे वर्ल्ड के जो सक्सेसफुल लोग हैं, टॉप मोस्ट जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी स्टडी करने के बाद वो समरी निकाली, और वो समरी निकाल के हम लोगों के लिए आसान कर दिया कि सिर्फ 7 आदतों पे आपको काम करना है, सिर्फ 7 आदत। आसान है ना, बहुत मुश्किल तो नहीं है। और वो 7 आदत इतनी पॉपुलर है, इसके जो राइटर थे, अभी डेथ हो गई उनकी, स्टीवन आर कोवी, 2-3 साल पहले वो उनकी डेथ हो गई। उनके हालात ऐसे थे कि जब वो किसी कंट्री में जाते थे कि 2 घंटे का मेरा स्पीच है, लाइक इंडिया में अगर वो आ रहे हैं मुंबई में या दिल्ली में, मान लो 2 लाख रुपए या 50,000 रुपए का टिकट है, बहुत महंगा टिकट होता था उसका, चूंकि सीट्स लिमिटेड होते थे, और 2500 लोगों की सीट है सपोज,
तो आधे घंटे के अंदर सारी टिकटें बुक हो जाती थी, आधे घंटे के अंदर। इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी उनकी इस किताब की वजह से। अब सवाल है कि वो किताब हमें हिंदी में नहीं मिलेगी क्योंकि इंटरनेशनल बुक है। तो मैं एक बार, मैंने 2-3 बार जब उस बुक को पढ़ा मैंने बहुत पहले, तो मुझे लगा कि ये जो 7 हैबिट्स है ना, इनको किसी तरीके से लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और आप में से, इसी में से आपने देखा होगा कि हर मोटिवेशनल स्पीकर या हर जो अच्छे लोग हैं वो इसी में से कोई एक आदत निकाल के ना आपको कहानी सुनाते हैं या कुछ अच्छी बातें बताते हैं, आप बहुत इंप्रेस हो जाते हो। तो आज वो 7 की 7 आदत तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसको हम लोग 2 दिन में करें, आज और कल, ठीक है? आज कुछ चीजों पर बात करेंगे हम लोग। ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है आप लोगों के लिए कि आप इसके थ्रू समझ पाएं इस बुक को, ठीक है? तो अभी हाउस रूल ये है, क्योंकि तो नियम सीखने में ना थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के इसको डाला है, कीप स्माइलिंग, स्माइल करके चलिए, रखिए। सब सारी सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाला पॉइंट है, कीप और एक स्माइलिंग। बार मुस्कुराई दे सारे। जो मेरे को दिख रहे हो मुस्कुराओ यार, मनोज जी क्या हुआ? हाँ मुस्कुराइए मुस्कुराइए, क्योंकि आप मुस्कुरा सकते हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो ये हाउस रूल है, मुस्कुराते हुए रहना है। थोड़ा सा मैंने अपनी कंपनी के जो चीजें हैं, जिस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं उसको ऐड किया है इसमें, बाद में हम लोग आएंगे। थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि ये मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मुस्कुराते रहना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर एक भाव रखना पड़ेगा कि अभी इनर्जी का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इनोवेटर फेज में है। सिर्फ 2.5% लोग ही हमारे साथ आएंगे सर। तो कोई अगर नो बोलता है ना तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं नहीं है। नहीं कोई अगर कहता है कि इंडिया में एक भी नहीं बिकेगा तो मान लेने का है, ठीक है? मुझे कई लोग मिले बोला बिहार में कोई नहीं लेगा। तो हम मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना है क्योंकि हम लोग इनोवेटर फेज में हैं। इनोवेटर टकराएगा हमारी आपकी तरह तो वो तुरंत ले लेगा, ठीक है? जैसे ही टकराया वो ले लेगा, ये बात समझने की है। सो थैंक यू बोल के निकलना है। ये डिवाइस अभी इनोवेटर फेज में है और आपने अगर डिसीजन ले लिया है तो आप बधाई के पात्र हैं। ये देखिए एक और स्लाइड जो मेरी बहुत मन पसंदीदा स्लाइड है। थोड़ा सा इनर्जिक के बारे में चल रहा हूँ, ठीक है? हाईली इफेक्टिव पीपल पे आऊंगा थोड़ी देर में। हमारे इनर्जिक बिजनेस में ना प्रोडक्ट शानदार, कंपनी जानदार, डेमो करना है कोई बड़ा काम है, एक ही मशीन का डेमो सीखना है सर। जो इस बात से तंग थे कि हर दिन कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है और फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, सीखते सीखते पागल हो गए। इतने सीख गए हैं बेचारे कि साबुन तेल की फैक्ट्री लगा लेंगे, वो इतनी जानकारी है उनको साबुन के बारे में। थोड़ा मुस्कुराइए, बहुत सारे लोग इतने जानकार हो गए हैं कि बेचारे को लगता है इसे फैक्ट्री खोलना है, वैसे उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। एक और एकमात्र चीज जो फर्क पैदा करने वाली है सफलता और असफलता के बीच में, वो आप है। इस बात को याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप। क्योंकि डेमो सबके लिए सेम है, मशीन सबके लिए सेम है, कंपनी सबके लिए सेम है, कोई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है कंपनी। सिर्फ और सिर्फ आप इंपॉर्टेंट हैं, अपनी सफलता और अपनी असफलता को तय करेंगे आप। आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन कोई दोषी नहीं है सर। अगर आप अच्छे हैं तो सब हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे कहता हूं कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है ना वो इनसाइड आउट होता है, इनसाइड आउट। अगर मान लो आपने एक आम का पेड़ लगाया और किसी वजह से आम का पेड़ अच्छा नहीं उगा है, उसके पत्ते अच्छे नहीं है, फल अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप फल को ठीक करोगे, पत्तियों को ठीक करोगे कि जड़ में कुछ काम करोगे? जड़ में काम करेंगे ना। घर में ही करना पड़ेगा सर। यस, तो हमें ये बात बहुत गहरे से समझना है सर। और ये बात मैं बार बार याद कराता रहूंगा आपको कि दुनिया में कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो हमें अपने अंदर बदलाव की जरूरत है, क्योंकि गांधी जी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि बी द चेंज
यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। आप वो बदलाव बन जाइए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। दूसरों को ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। तो हमें अपनी जड़ पे काम करना है, अपनी रूट्स पे काम करना है, तो फल अच्छे आएंगे। आप डेस्ट्री बनेंगे ये बाहरी चीज है, आप बहुत पैसा कमाएंगे ये बाहरी चीज है, लेकिन आपके विचारों में अगर गड़बड़ी है, आपके बिलीफ सिस्टम में कुछ एनवायरनमेंट की वजह से अगर कचरा आ गया है, तो उसको साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें इनसाइड आउट होती है, आप देख लेना। मैकेनिक के पास भी जब जाते हो ना आप कार बाइक अपनी लेके, तो वो अंदर देखता है, बाहर ठीक करने से कुछ नहीं होगा। आप कई बार ना, हम लोग चेहरे पे क्रीम लगाते रहते हैं गोरा होने के लिए। रामदेव बाबा बोल रहे हैं कपाल भाती करो चेहरा चमकने लगेगा। बात समझ में आ रही है ना? सब लोग यही बता रहे हैं, क्योंकि अंदर ठीक हो जाएगा ना तो बाहर चमकने लगेगा। वरना आज तक कोई क्रीम नहीं बिकी बन पाई सर, बिकी तो बहुत सारी है जो आदमी को सुंदर बना दे। अच्छा सुभाष जी, आप कौन सा क्रीम लगाते हो, चमकते रहते हो? देखो कोई क्रीम नहीं लगाते। अब लोगों का ना आंत और कोलोन बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा है, कहेंगे रोड। भगवान को ढूंढने में लगे हैं, खुद खोए हुए हैं। हाँ जी, हाँ भगवान को ढूंढने में लगे हैं, खुद खोए हुए हैं। तो मैंने देखा है कि कई लोग ना, जैसे अक्षय कुमार, उसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, वो इतना फिट है ना कि सुंदर दिखता है। बहुत सस्ते टी शर्ट पहनता है वो और जींस, और कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे स्मार्ट आदमी दिखता है। आपका पेट निकला हुआ है, और आप कौन से टॉमी हेल्फायर बोलते हैं प्रेमपाल जी, सबसे महंगा वाला टी शर्ट, यस उसका भी टी शर्ट ले लोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले पेट अंदर कर लो, 100 रुपए वाला भी अच्छा लगेगा। इनसाइड आउट काम करना है। हाँ प्रिंपल जी, आपको नहीं बोल रहा था कुछ, आप पहने हो महंगा वाला, नहीं आपका पेट अंदर है। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसको गांव की लैंग्वेज में कहें तो घूरे पे गुलाल छिड़कने से कुछ नहीं होगा। हाँ, दूर पे गुलाल छिड़कने से कुछ नहीं होगा। तो अंदर की सफाई करेंगे ना, अंदर की सफाई, तो चेहरा चमकेगा सर और बॉडी अच्छी होगी। इसके लिए जो कुछ करना चाहिए उसमें कैंगन वाटर एक बहुत बड़ा रेजिम है, इसको अपनाइए। और भी कुछ काम करिए, कच्चा खाइए, कच्चा खाने की आदत डालिए। तो इनसाइड आउट काम करना है, ये ध्यान रखिएगा, बाहर कुछ नहीं रखा है। ये बहुत गहरी स्लाइड थी सर, ये सब कुछ बताने वाली स्लाइड थी है। हाँ, इसलिए ये स्लाइड थोड़ा लंबा है, मैं 2 दिन लेके चल रहा हूँ, और अभी हाईली इफेक्टिव पीपल पे नहीं आया। अभी मैं बेस तैयार कर रहा हूँ कि भाई वाई क्यों करना है, हाईली इफेक्टिव पीपल क्यों बनना है, उसको रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये एक्चुअली रिलेशनशिप मार्केटिंग है सर। ये मैंने, मेरे कई टीम लीडर्स हैं, नाम नहीं लूंगा, मेरे कई लोग हैं, उनसे मैंने सीखा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, एक्चुअल में रिलेशनशिप मार्केटिंग है। दुनिया के और किसी भी सेल्स में और हमारे सेल्स में क्या फर्क पड़ता है, कि वहां सेल्स खत्म, रिलेशन खत्म। हमारे यहाँ सेल्स स्टार्ट, सेल्स हुआ, अब रिलेशनशिप चालू, यहां से रिलेशन बनना स्टार्ट होता है। और मेरा अपना मानना है सर कि अपलाइन और डाउनलाइन से, याद रखिएगा, अपलाइन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। कई लोगों को लग अपलाइन के इमोशंस का कोई ख्याल नहीं रखते, और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा, बड़ी फौज खड़ा करने की जरूरत नहीं है, फौज बन जाएगी सर। कुछ कमांडर्स हमको चाहिए, और वो कमांडर होते हैं हमारे डायरेक्ट फ्रंट्स। अगर किसी लाइन में आपके पहला आदमी मान लो निकम्मा है, नकारा है, कोई बात नहीं, सेकंड वाले से रिलेशन बना लो, सेकंड वाला भी अच्छा नहीं, थर्ड वाले से बना लो। हर लाइन में अगर एक व्यक्ति से, वैसे तो संबंध सबसे अच्छे रखने हैं, लेकिन हर लाइन में सर एक व्यक्ति से आपका संबंध अच्छा हो गया। और कितने लाइन चलाना होता है, मैक्सिमम 5। 5 लाइन जिसकी आगे निकल गई है ना सर, इनर्जिक में पर्याप्त पैसा कमा जाता है, बाकी तो लालच का कोई अंत नहीं है। ठीक है, पर्याप्त पैसा कमा सकता है 5 फ्रंट अगर अच्छा चल जाए। तो रिलेशनशिप को मेंटेन कीजिए, किसी भी शर्त पे रिलेशन को खराब मत कीजिए, बाकी धंधा हो जाएगा सर।
मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ कि बाकी सब हो जाएगा, आप रिलेशन अच्छा रखिए। और अब मैंने ये, चूंकि स्लाइड मैंने बहुत पहले बनाया था, आज मैं इस चीज पे यकीन करता हूँ कि इवन क्रॉस लाइन से भी आपके अच्छे रिलेशन होना चाहिए। और इवन जो क्रॉस लाइन में नहीं है ना, जो दूसरी कंपनी कर रहा है उससे भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए। संभावना है सर पूरी। हाँ, और सर वो भी छोड़ दो, दूसरी कंपनी में भी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग को ही नहीं अच्छा लगता है उसको, उससे भी रिलेशन अच्छा रखना चाहिए, पता नहीं कब कन्वर्ट हो जाए। मतलब कहने का ये है सर कि हम ना एक इकोसिस्टम अगर बनाएंगे, जैसे जितने भी सद्गुरु लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम प्रकृति का एक हिस्सा है, प्रकृति को डिस्टर्ब करना हमारा हक नहीं है। जैसे जानवरों को अगर हम मार रहे हैं, पेड़ पौधों को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, माउंटेन्स को, रिवर्स को, सीज को, ओशंस को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो लॉन्ग रन में हमारे लिए ये धरती रहने लायक नहीं रह जाएगी। यस और इसके यस कई उदाहरण दिख चुके हैं। तो हमें ना, अगर थोड़ा सदगुरु के लेवल पे जाएंगे, सदगुरुओं के लेवल पे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो पूरा वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, उनसे आगे कोई नहीं है भगवान से पहले, तो उनका ये कहना है कि आपको, आप की सहायक हैं ये सारी चीजें, पेड़ पौधे, जानवर, धरती, समंदर, ये सब सहायक हैं, आपकी जीने में मदद करते हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं क्योंकि तुरंत कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नजर आने लगेंगे अगर हम लोग नहीं सुधरे। और धरती पे सर मनुष्यों को छोड़ के जितने भी जीव जंतु है ना, वो प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, हम ही लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पे थोड़ा सा हमें रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है अपना, ये मेरा फेवरेट कोटेशन है। मैं तब से इस बात को मानता हूं कि आई एम नॉट परफेक्ट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि भगवान के अलावा कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है। अपने अंदर ये बातों में याद रहना चाहिए हमेशा कि आई एम नॉट परफेक्ट। इसमें कुछ चीजें मैंने और ऐड कर दी कि मैं अंडर कंस्ट्रक्शन हूँ, रुकावट के लिए खेद है, वर्क इन प्रोग्रेस, रुकावट के लिए खेद है। भाई मैं जब अंडर कंस्ट्रक्शन हूँ तो आप मेरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं, कभी कभी कुछ बुरा भी लग सकता है। जबरदस्त लाइन है सर, ये हाँ पंच लाइन है सर, बिजनेस की पंच लाइन। तो फिर ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। दो चीजें सर मैंने रिसेंटली सीखी है, हमेशा अपने आप को लकी बताओ, टीम को क्रेडिट दो, कंपनी को क्रेडिट दो, खुद क्रेडिट मत लो। ये सीख गए ना तो कभी भी आपकी टीम में कोई क्लैश नहीं। और दूसरा, पहले ही अपनी गलती मान लो, क्योंकि सही बात है सर कि हम लोग परफेक्ट हो ही नहीं सकते, परफेक्ट होने के लिए हमें मरना पड़ेगा सर। मरने के बाद किसी का देखा है कि बोलता है कि यार बड़ा गंदा आदमी था? नहीं, सब लोग बोलते नहीं बहुत अच्छा आदमी। जब तक जिंदा है ना तब तक आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते हो, तो परफेक्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा सर। मरना आप चाहते नहीं अभी, तो परफेक्ट होना मत चाहिए अभी। मानिए कि मैं बच्चा हूं, मेरे से गलती हो सकती है, और मैं एज को सिर्फ नंबर मानता हूं सर। जैसे जैसे मेरे जीवन का अनुभव बढ़ रहा है, मैं एज को सिर्फ नंबर मानता हूं, एज का भी घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बार आपके आपको बच्चे सिखा जाएंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई एम नॉट परफेक्ट, ये हमेशा याद रखिएगा। और अब आ गया है हमारा फेवरेट बुक, डॉक्टर स्टीवन आर कोवी, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम लोगों को बताया है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दुनिया के सबसे इफेक्टिव लोगों के की 7 आदतें, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने, आज एक दो ही लूंगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में सबसे पहले तो इन्होंने इफेक्टिवनेस समझाया है, ठीक है, कि क्या होता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है सर, कि अ बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। मतलब हमारी लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए, किस बात में, कि मेरी जो कैपेबिलिटी है और जो मैं कर पा रहा हूं, मेरी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। जैसे हम लोग कैपेबिलिटी की बात करें ना, तो हम में बहुत बड़ा पोटेंशियल पावर है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं,
लेकिन कर बहुत कम पा रहे हैं, बहुत कम चीजें कर पा रहे हैं। तो जितना हम कर पा रहे हैं और जितना कर सकते हैं उसका बैलेंस बन सकता है अगर हम इफेक्टिव हो जाएंगे ज्यादा। तो ज्यादा इफेक्टिव होंगे तो ज्यादा कर पाएंगे, इसी को बोला जाता है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बैलेंस। ये बात समझ में आ गई है सुभाष जी, आपको समझ में आया ये बात? ठीक है, तो सबको आ गया होगा जो कि सुभाष भाई को आ गया तो सबको आ गया होगा। अब इसको कैसे ले रहे हो आप देख लो सुभाष भाई। तो सेवन हैबिट्स में ना, अभी सेवन हैबिट स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके पहले इन्होंने एक बात बताई है बड़ी अच्छी कि हम जैसे जीते हैं रोज रोज, तो एक एक तो बैंक अकाउंट होता है हमारा पैसों वाला। तो पैसों वाले बैंक अकाउंट में क्या होता है कि अगर आप पैसा निकालोगे या डालोगे, ये करते हो ना पैसे के बैंक में, तो अगर हम ज्यादा डालें और कम निकालें तो क्रेडिट बढ़ेगा, और कम डालें और ज्यादा निकालें तो डेबिट बढ़ेगा। तो वैसे ही एक इमोशनल बैंक अकाउंट भी होता है। जब हम जब भी हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो एक इमोशनल बैंक अकाउंट भी होता है जिसमें सबसे पहला, अगर आप चाहते हैं कि आपका इमोशनल बैंक अकाउंट हमेशा भरा रहे, तो आपको काइंड बनना है, बी काइंड, दयालु बने रहिए सबके प्रति, सबके प्रति थोड़ी दया भाव रखिए। ठीक है, बी काइंड। अगर काइंडनेस नहीं है सर, दयालुता आपके अंदर नहीं है, तो आप कितने भी जानकार हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दयालु बने रहना है, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने रहिए। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो लोगों की नजर में आपका जो बैंक बैलेंस है ना वो बढ़ता जाएगा, और फिर आप जो कहेंगे वो खरीदेंगे, वो लोग आपको खरीदते हैं सर। और अपने हर व्यवहार से, अपने हर आचरण से आप इमोशनल बैंक अकाउंट में लोगों के कुछ क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं। जैसे आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया तो कुछ ना कुछ क्रेडिट कर दिया, कुछ अच्छी बातें कही उनके बारे में तो आपने कुछ क्रेडिट कर दिया, और बुरा बोला तो डेबिट हो जाएगा। तो अच्छे बुरे का गेम चलता रहता है। तो अपना बैंक, इमोशनल बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं हम ही लोग अपने अच्छे काम से। कीप प्रोमिसेस, कभी भी अपने वादे नहीं तोड़ना है, इससे हमारी छवि खराब होती है किसी भी तरह का, चाहे वो पैसों को लेन देन को लेके हो, टाइम के लेन देन को लेके हो, या आपने किसी डाउनलाइन को जो भी प्रॉमिस किया है लाने से पहले। तो अंडर प्रॉमिस कीजिए, ओवर डिलीवर कीजिए। तो ये ज्यादातर लोग गलत क्या करते हैं, ओवर प्रॉमिस करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं। और नहीं तो ऑनेस्टी से बता दीजिए कि ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, लेकिन वंस अगर कर दिया तो प्रॉमिस को रखना है। मैनेज रोल एक्सपेक्टेशंस, आपका जो रोल है घर में भी है, टीम में भी है, हर जगह बिजनेस में भी है, तो आपका जो रोल है उसके जो उम्मीदें आपसे लगाई जा रही हैं उसको ठीक तरीके से मैनेज करेंगे तो आपका इमोशनल बैंक अकाउंट बढ़ेगा। लॉयल, हमेशा लॉयल बने रहिए कंपनी के प्रति, टीम के प्रति, परिवार के प्रति, सबके प्रति। जितना लॉयल आप बनेंगे उतना आपका इमोशनल बैंक अकाउंट बढ़ता जाएगा। कोशिश करना है, हम लोग परफेक्ट तो नहीं हो पाएंगे लेकिन कोशिश करना है। और अगर कोई गलती हो गई तो सॉरी बोलने में कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये तो उन्होंने बताई है सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे सॉरी बोले तो उसको पूरी तरह से माफ भी कर देना सीखिए, पूरी तरह से एकदम मिट्टी डाल देना, माफी, चल हो गया, खत्म बात। तो सिर्फ सॉरी बोलना नहीं है, अगला सॉरी बोले तो फॉरगिव करना भी सीखना है, ये भी एक तरह का काइंडनेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ये सात नियम है जो हमको अपनाना है अपनी जिंदगी में। और सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है डिपेंडेंस। उसके बाद हमें, पहले हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, जब हम लोग छोटे थे ना तो बिल्कुल डिपेंड थे माँ के ऊपर, पापा के ऊपर। उसी तरह से बिजनेस में भी हम लोग
अपलाइन के प्रति शुरू में डिपेंडेंट होते हैं, फिर कुछ अच्छे काम करेंगे तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसे हम सभी अभी यहाँ पे इंडिपेंडेंट बैठे हैं, लाइफ में भी और बिजनेस में भी। लाइफ में भी हम इंडिपेंडेंट हैं सर, मेरा चॉइस है मैं क्या करूंगा, आपकी मर्जी आप क्या करेंगे। आप अपनी मर्जी से सुबह यहाँ जूम पे आए हैं, आपकी मर्जी आप नहीं आ सकते, तो इंडिपेंडेंस आता है। और हम और थोड़ा अच्छा करते हैं ना, तब हम इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट। तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया कि हम बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा काम करने लग जाते हैं। तो इसमें इन्होंने 7 नियम जो बताए हैं, उसमें देखा होगा आपने, सबसे पहला नियम नीचे दिख रहा है, बी प्रोएक्टिव। दूसरा नियम है बिगिन विद द एंड इन माइंड। तीसरा नियम है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। चौथा है थिंक विन विन ऑलवेज। सिक्स है सिनर्जाइज एंड सेवेंथ है शार्पन योर सॉ। ये 7 नियम के बारे में पूरी डिटेल में हम लोग जानेंगे, लेकिन आज मेरे को लगता है कि अब लेट हो जाएगा। पहला नियम हम लोग हैबिट नंबर 1 कल समझेंगे, और कल हमको लगता है कंप्लीट कर जाएंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, और किसी को कुछ? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।